इनकी जमात का लफ्ज क्या TLP, ठीक है, ये जात को आगे समझते हैं, हर बात को जात समझते हैं। करेगी इस्लाम में ये, इस्लाम में ये नहीं है। अच्छा, क्या रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे चुप पटी रहे तो आप जिहाद नहीं करेंगे? तो हमारी शर्त क्या थी? जी जी। अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असला ना दे, हम खुद ले जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें। आपने बोला पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तान का, पहले इस्लाम का नारा, फिर ऐसे तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो ये बोले कि पहले हम अपने जो मजहब का नारा लगाएंगे, हिंदू कम्युनिटी कहती कहे। अच्छा, आपको कोई इशू नहीं अगर कोई इधर हिंदू खड़ा होकर मार्केट में ये कहना? जी वो ये कहना कि हिंदू खड़ा होता है, पहले हिंदू हूँ, अच्छा बाद में पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं? क्या मसला हो सकता है? चले जबरदस्ती है, अगर ये सोच आपकी, फिर कह रहे ना कि अफगानिस्तान और उनके लोग इधर हमला कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये खबरें आ रही है, मैं क्या खबरें आ रही है कि अफगानिस्तान से अटैक हुआ है पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर। बल्कि मुल्ला हैबतुल्ला साहब जो है, जो उसके वजीर आजम है अफगानिस्तान के, उन्होंने जब एक फतवा भी जारी किया है लिख कर कि आप जो पाकिस्तान में ना हमला करना हराम है। कहते मुझे बताइए, मुसलमान मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसका तो जवाब दे सकते हैं कि ये भी नहीं दे सकते? नहीं, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। एक तो सीधी बात है, दीन से दूरी। अच्छा, फिरका वारियत के करीब है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये लड़ाई बनती है, ठीक है। नहीं, ये अफगानिस्तान, दूसरा यहाँ का जो टर्म्स इस्तेमाल होती है ना, वो होती है इस्तेमाल दहशत गर्दी, राइट? बिल्कुल, दहशत गर्दी अकॉर्डिंग टू मी ये कोई अल्लाह की आफत नहीं है। अच्छा, जरिया मुआश है। अच्छा, ये दहशत गर्दी, सलाम, दहशत गर्दी जरिया मुआश है, ये नहीं समझ सके। मैं बात इनकी समझ गया हूँ कि ये बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं इस चीज के ऊपर, बिजनेस है प्रॉपर, उन्होंने बोल दिया कि दहशत गर्दी बिजनेस है। हाँ, ये है ना, BLA के, ठीक है, उनके रहनुमाओं को पैसे मिलते हैं तो वो चलते हैं ना। मुझे किससे पैसे मिलते होंगे? ये हमारे हिंदुस्तान भी फंडिंग करता है उसको, बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है, हिंदुस्तान फंडिंग करता है, इंडिया भी फंडिंग करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारी काउंटर जवाब, काउंटर सवाल, काउंटर जवाब, ठीक है, इसने आज TLP एक्शन क्यों नहीं लेती? ठीक है, इन्हें जवाब देने दे। हुकूमत इस वक्त किस टाकी पोश वजीर आजम की है? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, बूट पालछिया वजीर आजम, ठीक है, और उसकी जो भतीजी है इधर मरियम नवाज, उसको कौन आ ये घर जाए छोड़कर सब कुछ, और जो ये हुकूमत है और ये जो इंतजामिया है और ये जो सारी मशीनरी है, ये TLP के हवाले करें, दूसरे दिन में एक्शन होता है कि नहीं होता? जैसे इनकी जो जमा, इनकी जो जमात है ना, इनकी जमात का लफ्ज किया TLP, ठीक है, ये जात को आगे समझते हैं, हर बात को जात समझते हैं, ठीक है। तो इस इनसे ये पूछा जाए, जितना कुछ हो रहा है मुसलमानों में, जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे? पर आए थे ना, हकीकतन जो मुसलमान बेचारे बलोचिस्तान में जबरदस्ती उठाए जाते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी होता है उनके साथ खड़े हैं, ये भी हिंदुस्तान उठाता है, जो भी उठाता है, फिर भी आपके अंदाजे के मुताबिक वहाँ के जो लोग मकामी पुलिस उठाती है, यहाँ का डाक ने क्यों नहीं किया? ठीक है, आपको भी तो हक बनता है ना अपनी राय देने का। सबसे बड़ी बात है फलस्तीन, बच्चा है ना, ये बच्चा है ना, अभी फलस्तीन का इन्होंने ये पहना हुआ है, ठीक है, क्या ये अभी तक ये फलस्तीन के बारे में कोई आवाज कर सके? उठाई क्या कर सके? अभी ये बताएं क्या कर सके? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कर लिया यही सवाल है ना, क्या किया? फिर इधर आओ, टाकी पोश वजीर आजम के, बूट पालछी वजीर आजम, इधर आओ, ठीक है, ओए बूट पालछी वजीर आजम क्या किया? जी जी जी, वजीर आजम किस चीज के लिए बने हो तुम भैया? फिर आप काहे के लिए हो? हम तो गए, हम गए उधर फलस्तीन का, हम तो गए इस्लामाबाद, और किस लिए तुमने वोट दिया? तुमने वोट क्यों दिया नून को? मरियम नवाज को क्यों वोट दिया? इधर हजार बंदा खड़ा होकर कहता है कि तुम मरियम नवाज के चर्चे कर रहे हो, क्यों करते हो? हमने तो नहीं दिया, ये एक वजीर आजम जमात इस्लामी उठी, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी उठी, उसने कहा जी आपने क्या किया? इसको कहे वजीर आजम मुझे हमारे ना साथ रिजल्ट को दे, हुकूमत हमें दे, दो मिनट में होता है, जवाब देने दे कि इन्होंने फलस्तीन अभी तक आप क्यों नहीं गए? आप, हमने तो ये भी सुना था कि आपकी जमात ने ऐलान किया कि हम जो उनसे खुद एक पूरी जमात बना के फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात बोलने क्या बताया आपने? जो झूठ बोलना मक्कारी, नहीं फलस्तीन के ऊपर नहीं आ पा रहे, वो भी वो गोंगलू सा मुंह लेकर झूठ बोलता है, तुम भी वही झूठ बोलते हो। ये बताए भाई ने जो बात की तुम्हें उस बारे में पता भी नहीं? चले आप मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे कि क्या किया फलस्तीन के लिए, अभी तक गए क्यों नहीं वहाँ पे? अब आपने जो बात की ना हमारे बारे में कि जी हमारी जमात ने, हमारी जमात ने कहा था कि जनाब हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे तैयार हैं, ये अब इसको ये भी नहीं पता कि हमारे खुदा की ये बात करता ना, कसम खुदा की ये बात कर, हमें सिर्फ हमें सिर्फ कमाने में लगा दिया, ठीक है, हम ना कोई आवाज उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है,
कमाल है, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दे रहा, ये तो आपकी ऑडियंस भी जानती है कि आप मुझसे जवाब ले ही नहीं रहे। आपने कहा जी आपने अभी तक गए क्यों नहीं, हमने हमारी शर्त क्या थी, अगर हमें पाकिस्तान आर्मी असला ना दे हम खुद ले जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा सवाल ये है, क्या वजह है आज दुनिया सारी हम पे हंस रही है, मैं यहाँ पे मैं अपनी भी बीच में बात करता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, कोई भी यहाँ पे नून लीग कर रहा है, कोई पीटीआई कर रहा है, कोई टीएलपी कर रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दुनिया पूरी की अगर बात करें हमारे पे वो हंसते नजर आ रहे हैं और हम इल्जाम चुप करके लगा देते हैं जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो अमेरिका ने करवा दिया। हाँ। अमेरिका भी हंसता होगा, ये सही बेवकूफ है, वो कहते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है इंडिया करवा रहा है, इंडिया भी हंसता होगा। जी वोट पढ़ रहे थे ना, जब वोट पढ़ रहे थे जी जी, तो ये भाई साहब जो है ना, ये सारे लोग गवाह हैं, ये हमारे ये सारे लोग, ये वो वोट पढ़ रहे थे ना, ठीक है, ये उछल उछल कर हाथ चूमता था इधर मरियम नवाज के पोस्टरों को और नवरा शरीफ दबाओगे मुझे, दबाओगे हाथ चूम रहा है, दबाओगे मुझे। अच्छा चले, लेकिन इधर अभी 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 मैं जितने भी लोग मौजूद हैं मैं सबसे पूछ लेता हूँ वोट किसको दिया आपकी जमीन, भाई मैंने भी किसी को नहीं डाला, आप डर के कह रहे हैं, इधर कैमरा कर रहे हैं, ये सब ये पटवारी था, इसने तो फ्लैक्स लगाई हुई है, चले मुझे इसने वोट दिया, इसने कहा महंगाई कम हो जाएगी, फलान कम हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा, छोड़ साहब के बच्चे पहले हमारी बात सुन, ठीक है। अच्छा, आप साहब वोट मरियम नवाज को देता है, आप साहब हमारी बात सुन, इस टाइम बलोचिस्तान के जो मामलात हैं, ये देखो ये फलस्तीन का रुमाल पहना वो से जो है ये साफ किया जा रहा है, अपना मुंह उसके साफ करते हैं, चूस रहे फलस्तीन वालों का, ऐसे ऐसे खून राय भाड़े इंजन पसीने उन्होंने चूसे जिन्होंने मामलात बनाए हैं, ओए मामलात बनाए हैं, मामलात जाति उमरा का मामला किसके हैं, जाति उमरा में ये टागी बोश वजीर आजम कौन है, खरबों रुपया किन्होंने लूटा है, नवाज शरीफ गंज किन का है, एवन फील्ड रेफरेंस किन के है, वो जनाब और वो जो बड़ी बड़ी वो डॉन लिक्स किसके नाम पर निकली हुई थी, पनामा लिक्स किसके नाम की थी, इनके अब्बा जी के नाम भी और सॉरी नाना जी के नाम की थी, नवाज शरीफ के नाम की थी, पर्सनल नहीं होता है ये सब कुछ, नवाज शरीफ के नाम की थी, आप क्या कर रहे हो, 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 एक चोरी करते हो, मुझे बताना ये सब पाकिस्तानी हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मुझे ये देखे ना, अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि वोट मरियम नवाज को देकर वजीर आजम नवाज शरीफ की पोस्ट को बना दिया, तो फिर उसको पूछे ना, पूछे कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने वोट तुम्हें दिया, उस वोट का क्या किया, वो क्या किया मेरे वोट का, मैंने वोट इसलिए दिया गाड़ियाँ बनाओ, मैंने वोट इसलिए दिया कि महंगाई कम करें, क्या करके दिया, आपने क्या किया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट लाखों लोगों को दिया, लाखों लोगों को दिया, चोरों को दिया, वोट चोरों को दिया, चोरों को वोट दिया, चोरों तुम कहना, नून लीग जिहाद की बात करती है, आप मुझे ये बताएं के नून लीग जिहाद की बात करती है, ये तो नहीं ना, कहाँ करेंगे आप करते हैं, पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ इसको, जरा सीरियस क्वेश्चन करने दे, आप जिहाद की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, ठीक है, तो देखें आप तो बात करते हैं लोगों को मजहब के नाम पे, आप कहते हैं जी जज्बात के हैं हमारे लोग, तो आपने किया क्या यार, यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ, हमने कहा ना कि हम जिहाद की बात करेंगे, यानी आप टीएलपी वाले पागल पठान की बात कर रहा है, आप टीएलपी वाले खान वाले नहीं है, मिलेगी तो आप जिहाद करेंगे, इजाजत मिलेगी, इस्लाम का जो कानून है ना, ठीक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपका इस्लामी जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट का जो सरबराह है ना, ठीक है, उसी की इजाजत लेना फर्ज है, जिहाद के इस्लाम में ये बात मौजूद है, किसी रियासत की अगर आर्मी मौजूद है तो उसका काम है किसी भी अगर जिहाद करना जंग करनी है, आप नहीं कर सकते, तो आप लोगों को फिर जिहाद के नाम पे कहते हैं जी हम 14 लाख चले जाएंगे, 15 लाख चले जाएंगे, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, अब आपने सबने ये सवाल है, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी, अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर, अच्छा। तो जो दूसरी मुसलमान रियासत होती है ना, अच्छा। वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिहाद फर्ज हो जाता तो है, जाए फिर तो जाए ना, अगर ये कुत्ते शहबाज शरीफ जान छोड़े तो नहीं, ये इसमें पुलिस लेने खड़ा होता है, जो कर रहे हैं ना जिहाद को फर्जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बेचारे नफली कर रहे हैं, बनी हुई है, सवाल आप इनसे ये पूछेंगे कि जो हिंदुस्तान के ऊपर हम हर बात पे इल्जाम लगाते हैं, बलोचिस्तान में जो हुआ इंडिया इन्वॉल्व, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कुछ हुआ इंडिया इन्वॉल्व, इसका क्या जवाब है, अच्छा पाकिस्तान की माशियत तो ठीक होने देगा इंडिया,
नहीं ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं है। मुझे बताएं दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी है इस टाइम हिंदुस्तान, नो डाउट हमारे माइंड में ये बिठा दिया गया कि जी वो दुश्मन है उसकी बात नहीं करनी है। मेरी बात सुने, पांचवीं बड़ी इकॉनमी है, हम कितने नंबर पे आते हैं इकॉनमी में? दसवें हजारवें नंबर पर आ गए। तो फिर वो करेंगे ना पूरा, कब करेंगे जब अमेरिका इजाजत देगा? अमेरिका ही जा रहे इनको ये बात मेरी बात सुने, बांग्लादेश में इंकलाब आया, कश्मीर में बातों से कुछ ही करना नहीं होता, काम कर कर दिखाना होता है। अब ये बातें कर रहे हैं मेरे भाई, इनको खुद को दूध पीने की जरूरत है भी। यकीन माने इनको योजना दे दी ना, आधा किलो दूध पिलाओ जी। सेहत खराब जी, हमें छोड़े नहीं, लंदन ना जाए, लंदन ना जाए। इधर नून लिखा मैंने आया, उसकी गाड़ी आराम खोर की इधर आई, इधर बैक साइड पे उनका जश्न था, ये बुजुर्ग भी गवाह होंगे। ठीक है इधर उनकी अभी गाड़ी मुड़ रही थी, ये इधर से दौड़ कर गया, नून लीग जनाब, नून लीग जनाब। मैंने इसको फिर कहा, मैंने कहा लाने थे, वापस आया, उसने पैसे को नहीं देने, वो फ्री आया हुआ है। चले मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, पहले इस्लाम उसके बाद पाकिस्तान। अल्लाह कितना झूठ बोल रहा है ये बंदा, ये अभी कोई पीटीआई वाला आ जाए, नून लीग वाला बोला कादियानी है, ये उनसे बात करना पसंद नहीं करता, ये नाउज़ बिल्ला, ये मुसलमान के नाम पर ये बात कर, ये मुसलमान के नाम पर बात करता है, मुझे ये बात कर रहा, मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बात कर रहा है कि हम मुसलमान भाई है। पहले तालिबान का पाकिस्तान पर हमला, भारत पर इल्जाम, पाकिस्तानी जनता में गुस्सा। हाल ही में तालिबान ने पाकिस्तान के एक पोस्ट पर हमला किया, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और गहरा हो गया है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया और कुछ सरकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भारत तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहा है और हमले करवा रहा है। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जनता में भारत के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमले के बाद से पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। तालिबान की ओर से इस हमले की जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई है, जिससे पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा विफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर दोष मढ़ रहा है। इस घटना ने पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है। कई लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि विदेश की सुरक्षा को मजबूत करें और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाएं। आपके विचार क्या हैं? क्या पाकिस्तान का भारत पर आरोप लगाना सही है? इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।